सो है गाइस, आज कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करना सीखेंगे। तो आप लोग इस वाला वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देख लेंगे तो 110% कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करना सीख जाएंगे आप भी। बट गाइस, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि आप एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो हर रोज मिलती रहती है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। A few moments later. So guys, जो फोटो आप लोग को एडिट करना है वो शेयर कर लेंगे सिंपली से अपने Lightroom एप्लीकेशन में। चलिए मैं शेयर कर लेता हूँ इस वाला फोटो को Lightroom एप्लीकेशन में, आप भी शेयर कर लेना। जैसे आप लोग शेयर करें ऊपर से नोटिफिकेशन गिरेगा, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएंगे Lightroom में। सो गाइस, आने के बाद आप लोग को ऑल फोटोज के ऑप्शन पे क्लिक करना। तो ये रहा ऑल फोटोज का ऑप्शन। देन ऑल फोटोज का ऑप्शन पे क्लिक करने बाद सिंपली से हम यहाँ से एक प्रीसेट को यूज कर लेंगे। तो इस वाला प्रीसेट इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। तो सिंपली से प्रीसेट पे क्लिक करेंगे। ओके गाइस, प्रीसेट लेने के बाद आप लोग को थ्री डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करना। ये रहा कॉर्नर साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन। सो थ्री डॉट का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन गाइस, थ्री डॉट का ऑप्शन पे क्लिक कर एक आप लोग को कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, देन इसी पे क्लिक करना। ओके, इस पे क्लिक करने बस सिंपली से एक राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ओके, इस पे क्लिक कर देंगे राइट का ऑप्शन पे, तो ये वाला प्रीसेट आप लोग का कॉपी हो जाएगा। जो गैलरी से फोटो लिया था उस वाला फोटो को ले लेंगे। देन गाइस, क्लिक कर देंगे फोटो पे। ओके, उसके बाद फिर आप लोग उसी टाइप से थ्री डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके गाइस, थ्री डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करने बाद यहाँ से पेज सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। तो आपका वन क्लिक में ही Lightroom से एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग देख भी सकते हो कुछ इस टाइप से, बिफोर हम लोग का कुछ ऐसा था एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से हो गया। तो थोड़ा सा हम लोग का फेस पे लाइट कम है, उसके लिए इस टाइप से स्लाइड करके कलर का ऑप्शन पर क्लिक करके मिक्स पर क्लिक करना है एंड ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है। देन लिमिनेंसियर को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे एंड सेचुएशन को डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है, अपने अकाउंट रख लेंगे ना। तो लिमिनेशन को मिनिमम हम लोग 96 या 90 के आसपास में रख लेंगे। उसके बाद अपने डाटा कनेक्शन को ऑन कर लेंगे। चलिए मैं ऑन कर लेता हूँ, आप भी ऑन कर लेना। सो गाइस, ऑन करने के बाद सिंपली शेयर पर क्लिक करना एंड शेयर टू पे क्लिक करके यहाँ शेयर कर लेंगे अपने फोटो रूम एप्लीकेशन में। फोटो रूम में जाने के बाद अपने बैकग्राउंड को कट आउट कर लेंगे। चलिए मैं इस वाला फोटो को फोटो रूम में शेयर कर लेता हूँ। तो जैसे आप लोग शेयर करेंगे हल्का सा स्ट्रेस होगा एंड उसके बाद स्कैनिंग करेगा आप लोग का फोटो। तो जब तक स्कैनिंग कर रहा है कुछ वेट कर लेंगे। सो उसके बाद आप लोग को वन क्लिक में फुल HD में बैकग्राउंड कट आउट हो जाएगा। तो सिंपली इस वाला फोटो को सेव करना होगा तो इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए, सो गाइस इस पे क्लिक करेंगे। देन गाइस, इस पे क्लिक करने बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा हल्का सा। उसके बाद शेयर का ऑप्शन होगा कॉर्नर साइड में, तो इसी पे क्लिक करेंगे। एंड देन इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे साइड एक सेव टू गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा। देन इसी पे क्लिक करके इस वाला फोटो को सेव कर लेना है पहले। तो उसके बाद अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। सो गाइस, पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद सिंपली से नीचे की साइड एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो ये रहा प्लस का आइकन। सो इसी पे क्लिक करना है। देन गाइस, इस पे क्लिक कर एडिट ए फोटो पे क्लिक करके अपना बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड कर लेते हैं। सो गाइस, जितना इस वीडियो में बैकग्राउंड एंड PNG का यूज होगा यानी मटेरियल का यूज होगा, आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। तो डाउनलोडिंग कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। उसके बाद इस टाइप स्लाइड करना है एंड स्लाइड करने के बाद एक ऐड फोटो का ऑप्शन होगा। सो इसी पे क्लिक करके जो फोटो में फोटो कट आउट किए थे उस वाला फोटो को ऐड करके कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। इतना काम कंप्लीट हो जाएगा। प्लस करके हम क्लिक कर ऐड फोटो पर क्लिक करके PNG को ऐड कर लेना है। देन इस वाला PNG को यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। सो उसके इस वाला PNG पर क्लिक कर इसे स्लाइड करेंगे एंड ब्लेंड का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देंगे एंड स्क्रीन पर क्लिक करके कुछ इस टाइप से पूरे बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर देंगे। सो उसके बाद सिंपली से लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये रहा लेयर का ऑप्शन। सो गाइस, लेयर पर क्लिक करने बाद नीचे मूव डाउन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अंदर की तरफ PNG चला जाएगा आप लोग का। ओके गाइस, उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। तो ये रहा प्लस के आइकन। सो उसके बाद ऐड फोटो का ऑप्शन पर क्लिक कर फिर से PNG को ऐड कर लेंगे। देन PNG को ऐड करने बाद कुछ इस टाइप यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे ऊपर की साइड एंड कुछ इसे स्लाइड कर लेंगे। ब्लेंड का ऑप्शन पर क्लिक करके स्किन कर लेंगे एंड इसी को उसी टाइप से कर लेना है। स्लाइड का गैन ब्लेंड का ऑप्शन क्लिक कर स्किन कर पूरे बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर लेना है। ओके गाइस, उसके बाद लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके एंड मूव डाउन का ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी अंदर की तरफ कर लेना है कुछ इस टाइप से। देन गाइस, उसके बाद राइट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को कुछ इस टाइप से स्लाइड करना है। टूल्स का ऑप्शन होगा। ओके गाइस, इसी पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक कर एडजस्ट पर क्लिक कर देंगे। देन गाइस, एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद हल्का सा ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है, मिनिमम 14 के आसपास में कर लेंगे। ओके, उसके बाद इरेजर पर क्लिक करना है। तो ये रहा इरेजर टूल का ऑप्शन। सो गाइस, इस पर क्लिक करने बाद पर्सनल का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो पूरा फेस एंड बॉडी पर मैच मतलब ब्राइटनेस आ जाएगा। उसके बाद राइट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
तो ये रहा राइट का ऑप्शन। सो ओके गाइस, राइट का ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर से एक बार राइट का ऑप्शन पर टाइप कर लेंगे। तो बिफोर एंड आफ्टर देख भी सकते हो, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। उसका फिर से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडजस्ट पर क्लिक करके एंड एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपली से आप लोगों को क्लैरिटी का ऑप्शन होगा, देन इसी पर क्लिक करना है एंड इसको फुल इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद इरेजर पर क्लिक करके देन इरेजर पर क्लिक करने के बाद सिंपली से आप लोग को एक 5 नंबर पर इन्वर्ट का ऑप्शन होगा, देन इसी पर क्लिक करना है। तो ये रहा इन्वर्ट का ऑप्शन। सो इस पर क्लिक कर रीअश्योर पर क्लिक कर लेंगे। ओके, उसके बाद अपने शर्ट का कुछ कलर इस टाइप से कर लेंगे, जैसे हम कर रहे हैं अभी कुछ इस टाइप से कलर कर लेंगे, काफ़ी देखने में अच्छा सा लग रहा है एंड ट्रेंड में भी चल रहा है अभी। सो ओके, इतना काम कंप्लीट हो जाने में राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आप लोग का पिक्सार्ट से भी एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद सिंपली से आप लोग को एरो का ऑप्शन पर क्लिक करना, तो ये रहा एरो का ऑप्शन। सो गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, नीचे साइड इस सबसे नीचे एक मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये रहा मोर का ऑप्शन। सो इसी पे क्लिक करना है एंड यहाँ शेयर कर लेंगे अपनी बार ऑटो स्केच बुक के अंदर। वहाँ जाने के बाद अपने फेस स्मूथ एंड गोरा कर लेंगे। चलिए मैं ऑटो स्केच बुक में शेयर कर लेता हूँ इस वाला फोटो को, आप भी कर लेना। तो आप लोग फेस स्मूथ कर लेंगे तो फुल आपका एडिटिंग कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली से कुछ नहीं करना है, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है टूल्स के ऑप्शन पर। सो गाइस, टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो ये वाला ब्रश यूज करेंगे, ठीक है, इस वाला ब्रश पर क्लिक करेंगे, आप लोग इसका सेटिंग देख सकते हैं। स्ट्रेंथ को आप लोग को 6% रखना है, फॉलो को 5%, साइज को अपने अकाउंट रख लेना है। तो कट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो गाइस, कट के ऑप्शन पर क्लिक करें, इस तरह से फोटो को जूम करके एंड राउंड राउंड करके यानी गोल गोल करके पूरा फेस को स्मूथ कर लेंगे, उतने जितना आप लोग इस टाइप से कर लेना फेस स्मूथ जैसे हम कर रहे हैं, आप भी कुछ इस टाइप से कर लेना। तो आप लोग को डिटेल में फेस स्मूथ वीडियो चाहिए तो मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, वो वीडियो देख के आप पूरा डिटेल में फेस स्मूथ करना सीख जाएंगे ओल्ड पेंट भी। आई होप गाइस, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर चैनल पर परिवार चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे प्रेस करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।